नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु वाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई डी ललन टॉक पर। तो किस्सा गोई में खास तौर पर ओरल ट्रेडिशन, वाचिक परंपरा, जबानी रिवायत की किस्सा गोई में एक किरदार बड़ा मशहूर है जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। यूं तो मुल्ला नसरुद्दीन का ताल्लुक तुर्की से बताया जाता है, मगर इनके किस्से जो है ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो आज किस्सा गोई में एक किस्सा मुल्ला नसरुद्दीन का। तो एक शाम की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में बैठे थे, छत पर गए। छत पर जब गए, उन्होंने खूबसूरत शाम को देखा, चारों तरफ का नज़ारा लिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें बड़ा लुत्फ आया। ऐसे में उन्होंने सोचा कि भाई ये जो गधा मेरा नीचे बंधा हुआ है, इसको भी तो इस शाम का लुत्फ लेने का अधिकार है, इसको भी तो इस खूबसूरती से महजूज होने का अधिकार है। तो मुल्ला नीचे गए और अपने अजीज गधे को खींच खांच कर किसी तरह ऊपर लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गधा तो गधा था, सीढ़ियों पर पैर रखने को, चढ़ने को तैयार ही न था। मुल्ला ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की और किसी तरह खींच खांच कर गधे को छत पर चढ़ा दिया। मगर जब गधा छत पर चढ़ा तो मुल्ला ने देखा कि वो तो बिल्कुल ही बेनियाज खड़ा हुआ है, शाम की खूबसूरती से बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और उसे कोई मतलब ही नहीं है खूबसूरत शाम से। तो जब मुल्ला ने ये देखा तो उन्हें बड़ी मायूसी हुई और उन्होंने गधे को नीचे उतारने की कोशिश की, मगर गधा नीचे उतरने को भी तैयार नहीं हुआ, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मुल्ला मायूस हुए और खुद नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि छत से कुछ आवाजें आ रही हैं अजीबोगरीब। मुल्ला छत पर दौड़कर पहुंचे तो देखा कि गधा अपनी दुलत्तियों से कच्ची छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि किसी हद तक कामयाब भी हो गया है। अब मुल्ला ने जब ये देखा तो वापस गधे को नीचे उतारने की कोशिश की, उसको खींचा, उसे वापस सीढ़ियों पर लाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से हिला ही नहीं और दुलत्तियाँ चलाता रहा और इस कदर दुलत्तियाँ चलाईं कि दुलत्तियाँ मार मार कर मुल्ला नसरुद्दीन को ही छत से नीचे गिरा दिया। मुल्ला जब नीचे गिरे तो थोड़ी देर बाद गधे ने दुलत्तियाँ मार कर छत तोड़ डाली पूरी और खुद भी नीचे आ गया। मुल्ला ने जब ये वाकया देखा तो उन्होंने खुद से कहा कि इस वाकये से मैंने तीन सबक सीखे कि पहली बात तो ये है कि किसी गधे को कभी ऊंची जगह पर पहुंचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई गधा ऊंची जगह पर पहुंच जाता है तो सबसे पहले तो उस ऊंची जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उसके बाद वो आदमी जिसने उसे ऊपर पहुंचाया होता है उसे भी नीचे गिरा देता है, उसका भी नुकसान कर देता है और आखिर में खुद भी धड़ाम से नीचे आ गिरता है, अपना भी नुकसान कर लेता है। शुक्रिया भाई।